वेलकम टू माय चैनल केक कलेक्शन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ अपने कुछ ब्लाउज के कलेक्शन शेयर करने आई हूँ, जो मेरे मोस्ट ऑफ द फेवरेट ब्लाउजेस हैं। ये सारे मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, इन्हें मैंने कैसे सिलाया, क्या क्या मैंने इसमें अलग करवाया, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे ब्लाउजेस कैसे लगे। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट और भी कोशिश करूँगी, मैं और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब मैं अपना फर्स्ट ब्लाउज आपको दिखाया, जो है गोल्डन कलर का ब्लाउज, जो कंपलसरी होता है, हम हर लेडीज़ के पास एक गोल्डन ब्लाउज तो ज़रूर ही होना चाहिए। गोल्डन, ब्लैक, कुछ कलर हैं जो होने चाहिए, रेड भी काउंट कर लेते हैं, गोल्डन तो मोस्ट है, वो होना ही चाहिए, कंपलसरी है। तो मैं अपना फर्स्ट ब्लाउज आपको दिखाने जा रही हूँ। ये है गोल्डन ब्लाउज मेरा, देखिए इस कुछ इस तरीके से इसकी स्लीव है। ये किसी ब्लाउज का पीस नहीं है फ्रेंड्स, ये मैंने एक लोकल मार्केट से, अपने घर के नियर बाय लोकेशन पे जाके मैंने एक मार्केट से इसे परचेज किया है। आप भी जाके वहाँ से खरीद सकते हैं। मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाऊँ, बहुत बहुत ही प्यारा इसका डिज़ाइन है। ये देखिए इसकी बारीकियाँ कितनी ज़्यादा, बहुत ही प्यारी है, एकदम डिफरेंट सा लुक आता है इसको पहन। और ये हर साड़ी के साथ चला जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोल्डन ब्लाउज कंपलसरी ब्लाउज है। तो चलिए अब इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। ये मैंने यहाँ से ऐसे ओपन शोल्डर करके, ये ऐसा कुछ मैं आपको दिखाती हूँ, ये ओपन शोल्डर ब्लाउज बनवाया मैंने। इसकी स्लीव मैंने एल्बो तक रखी हुई है, और ब्लाउज बैक मैं मोस्टली बड़ा ही करवाती हूँ, क्योंकि मुझे यही कंफर्टेबल लगता है। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं डीप नहीं कर रही, मेरे कुछ ब्लाउज डीप भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँ मैं सारे ब्लाउजेस आपके साथ शेयर करूँ फ्रेंड्स। और फ्रंट में ये मैंने हुक करवा रखा है, ये हुक पूरा मैंने बोट नेक तक पूरा हुक ही करा रखा है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि हुक आप कोशिश करिए, आप हुक सारे फ्रंट्स पास पास में ही लगवाए। मैंने इसको इतने पास पास लगाए, आप चाहे तो और पास लगवा सकते हैं, आप चाहे तो और दूर, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। बहुत ही प्यारा ब्लाउज है, आप भी एक ब्लाउज ऐसा सिलाइए। और मुझे लगता है कि जितना सिंपल ब्लाउज हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, खासकर गोल्डन, क्योंकि हर साड़ी में गोल्डन तो होता ही है। तो ये कई साड़ियों के साथ जाएगा, तो इसको आप सिंपल शोवर ही रखिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। आप खुद देखिएगा, एक ब्लाउज आप सिंपल बनवा के देखिएगा कुछ ऐसा, बहुत ही प्यारा लगेगा। अब मैं आपको अपना सेकेंड ब्लाउज दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको अपना सेकंड ब्लाउज दिखाती हूँ। ये है स्काई ब्लू कलर का ब्लाउज मेरा, ये इस पे ऐसे बॉर्डर बन रखा है बैक में ऐसा। इसका गला पीछे से बड़ा है, फुल साइज गला है इसका। फ्रंट से मैंने इसमें वी नेक करवा रखा है, और इसकी स्लीव्स कुछ ऐसी, सबसे प्यारी मुझे इसकी स्लीव ही लगती है, जो मैंने ऐसे ही बस इमेजिन करके ही बनवा लिया था। ये मैंने नेट एक लोकल मार्केट से ख़रीदा था फ्रंट, इसमें ये ऐसे ये पल्स अटैच हैं, ये पल्स निकलेंगी नहीं, ये कुछ इस तरीके से लगी हैं तो ये निकलेगी नहीं। अगर आप भी पल्स वाले नेट खरीदते हैं तो कुछ ऐसा ही खरीदिएगा, जो चिपके हैं वो मत, क्योंकि वो एक दो वॉश में निकल जाएंगे। और इसमें ये कुछ शिमरी सा ऐसा, देखिए ये ग्लिटर जैसा है, बहुत ही प्यारा लगता है पहनने पर, बहुत ही फूला फूला सा, बहुत ही अच्छा सा लगता है फ्रेंड्स। और इसमें मैंने ये सामने से हुक करा रखे हैं, हुक आप पास पास ही लगाइए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जैसे कि ब्लाउज आपके खुले खुले से ना लगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये ब्लाउज है मेरा, बहुत बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज है। तो अब मैं आपको अपना थर्ड ब्लाउज दिखाऊंगी, जो है ग्रीन कलर का ब्लाउज है मेरा, और ये स्लीवलेस है। ये कॉमन ब्लाउज है, कई साड़ियों के साथ ग्रीन मोस्टली, जिसपे ग्रीन की जरूरत है ये सब साड़ियों पे चल जाएगा मेरा। बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज है, इसका बैक ये देखिए, इसका ये बॉर्डर बहुत बहुत ही प्यारा है, इसकी डिटेलिंग इतनी प्यारी डिटेलिंग है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारा सा है। ये मैंने स्लीवलेस सिलवा रखा है, ये इन्होंने मुझे बाजू पे लगवाने के लिए दिया था, यहाँ पे कुछ ऐसा बॉर्डर करवाने के लिए, पर मैंने इसे बैक में लगवा दिया गाइस। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे फ्रंट में करवा लीजिए, या आप यहाँ पे अपने स्लीव पे लगवा लीजिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। और मैंने इसमें ये कुछ इस तरीके से लटकन लगा रखे हैं, ये देखिए इतना, आप चाहें तो इसे और भी ज़्यादा लगवाइए, जितना ज़्यादा उतना प्यारा, बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप लटकन पसंद करते हैं, तो कुछ लोग डोरी ब्लाउज नहीं पसंद करते हैं तो वो ना लगवाएं, लेकिन अगर आपको डोरी पसंद है तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही प्यारा लगता है। और इसमें मैंने ये डीप वी करा रखा है, और इसमें हुक मैंने फ्रंट से ना करा के बैक से करवाया है, बहुत ही बहुत बहुत प्यारा ब्लाउज है ये। अभी मैंने इसे एक भी बार पहना नहीं है, जब मैं पहनूंगी तो फोटो ज़रूर अटैच करूँगी, आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर ज़रूर विजिट करिएगा, मैं ऐसे
कैसे पहना, किस साड़ी के साथ पहना, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो आपको मेरा ब्लाउज प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। अब मैं आपके साथ अपना चौथा ब्लाउज शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये कैमरे में थोड़ा सा अलग कलर दिख रहा है, पर ये थोड़ा रेड और पिंक का मिक्सअप है कुछ। एग्जैक्टली पिंक भी नहीं है, एग्जैक्टली रेड भी नहीं है, तो कुछ अलग सा है। बाकी ये देखिए, फ्रंट से इसमें बोट नेक करा रखा है मैंने। बोट नेक पे ये पूरे हुक है गाइज। ये मैंने यहाँ पे अगेन मैंने पास पास ही हुक लगवा रखे हैं। और बैक ये देखिए, बहुत बहुत ही प्यारा बैक है। ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदी हुई लेस है मेरी। ये देखिए, बहुत ही प्यारी लेस है, बहुत ही सस्ते, बहुत ही चीप प्राइस पे आपको मिल जाएगी। आप अपने नियर बाई शॉप पे जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छे रेट पे आपको ये मिल जाएगी। और ये मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे बटन अटैच, अगर आप कोशिश करिएगा फ्रेंड्स, मेरा ये सेम ही बटन है, आप कोशिश करिएगा कुछ इसके कॉम्बिनेशन में बैठता हुआ बटन लगवाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और भी ज़्यादा। मैंने अपने टेलर को कहा था पर उन्होंने सेम ही लगा दिया। खैर, ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, ये इसकी स्लीव है, ये मैंने एल्बो तक स्लीव करा रखी है इसकी। बैक मैंने आपको दिखाया, बैक क्या कहते हैं कुछ इस तरीके से है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, अगर आप कुछ बैक में ऐसा कुछ लेसेस करवा रहे हैं तो आप फ्रंट में ज़रूर लेस लगवाइएगा, क्योंकि अगर आप फ्रंट में लेस नहीं लगवा दें तो वो कुछ इनकम्प्लीट सा लगेगा, उतना फिनिश लुक नहीं देगा आपको। तो प्लीज़ आप क्या कहते हैं फ्रंट में ज़रूर लेस लगवाइएगा। बाकी आप देखिएगा, अगर आपको पसंद आता है और नहीं पसंद आता, आप एक बार ट्राई करिएगा फ्रेंड, आपको कुछ अलग ही लुक लगेगा, बहुत प्यारा लगता है बैक से कुछ कनेक्ट होके ऐसे फ्रंट में आना। तो मैं अब आपको लास्ट ब्लाउज दिखाऊंगी अपना, जो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा ब्लाउज है, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट। इस ब्लाउज के लिए मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये ब्लाउज ये है मेरा लास्ट ब्लाउज, बहुत ही प्यारा ब्लाउज है। ये मैंने इसमें पाइप लेस लगवाई है, ये देखिए, ये यहाँ पे स्लीव पे लगवाई है मैंने, ये बैक पे लगवाई है। और ये मैंने इसमें स्टैंड कॉलर बनाया, उसका डीप में जो बैक है ना, इसका बैक मैंने कुछ ऐसा आता है पहनने पे। मैं इंस्टाग्राम पे अगेन मैं कह रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे फोटो अटैच करूँगी फ्रेंड्स, आप मुझे वहाँ पर फॉलो करना मत भूलिए। मेरे पेज को K Collection 35 के नाम से मेरा पेज है, मैं आईडी मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। ये तो ये देखिए, ये मैंने इसे पाइप लेस लगाई, ये हर शॉप पे इजीली अवेलेबल होती है। आप अपने नियर बाय मार्केट में जाके देखिएगा, आपको इजीली ये लेस मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये। आजकल लहंगों में तो एकदम जैसे लगता है कंपलसरी हो रखा है, लहंगों में बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अब मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ, ये स्टैंड कॉलर पर ब्लाउज है, ये मैंने यहाँ तक मेरा कॉलर आता है, बहुत ही प्यारा। और ये फ्रंट, ये है मेरा फ्रंट, बहुत बहुत ही प्यारा, प्योर यू गला भी नहीं कह सकते कि गोला गला है, गोल गला भी नहीं है, कुछ पान जैसा भी है, कुछ गोल जैसा है, बहुत ही प्यारा उन्होंने बनाया है मेरा ये ब्लाउज। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस ब्लाउज़ को अगर आप बनाते हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो लेंथ है ये आप कितना करा रहे हैं, क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा पट्टी ऐड करवाई है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा हो गया था, मैं इसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी। तो आप फ्रेंड्स इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप इतनी पहन सकते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है तो इट्स ओके, नहीं तो आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा बनाते वक्त, वरना कपड़ा ख़राब हो जाएगा। ये तो उनके पास कपड़ा बचा था तो उन्होंने मेरा ब्लाउज कंप्लीट कर दिया। तो फ्रेंड्स, आपको आज मेरे सारे ब्लाउजेस कैसे लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मेरी वीडियो कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा, मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ये भी मुझे कमेंट करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे बताइए। मेरे पेजेस को फॉलो करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।